हेलो एवरीवन, ये है क्लास एट्थ की साइंस की एनसीईआरटी। और इसमें हम सबसे पहले करेंगे चैप्टर नंबर वन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूझो दो ऐसे बंदे हैं जो अपने अंकल के घर पर गए समर वेकेशंस में। जो उनके अंकल थे वो क्या थे? फार्मर, एक किसान। ठीक है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिक्कल, शॉवल, प्लफ एक्सेट्रा इन द फील्ड। अब क्या हुआ, वो एक दिन अपने अंकल के साथ फील्ड पर चले गए, मतलब खेत पर गए, क्योंकि उनके फादर, उनके जो अंकल थे वो क्या थे? किसान। तो वो उनके अपने अंकल के साथ कहाँ पर गए? फील्ड पर गए, खेत में गए। तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे टूल्स देखे, जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लफ। जितने भी सारे आप नाम सुन रहे हो, जिन लोगों के लिए नए हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप देख कर नहीं बता सकते, क्योंकि अभी आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। इस पूरे चैप्टर में पिक्चर्स हैं जो आपको बता देंगी कि किस चीज़ से हम क्या करते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे टूल्स देखे जो उनके लिए नए थे और वो फील्ड में रखे हुए थे। ठीक है। नाउ यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। कि आप सभी जानते हो और आपने पहले भी पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? प्लांट्स कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स, यहाँ तक कि ह्यूमंस भी अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। तो हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं? हम लेते हैं कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से लेते हैं। ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम खाना क्यों खाते हैं, हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है। यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट दियर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये इस बात तो आप जानते हो कि जो हमें खाने से एनर्जी मिलती है वो क्या करती है, हमारे बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के उसमें काम आती है। कौन कौन से फंक्शंस में? डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में। वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम अपना फूड जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से भी लेते हैं, एनिमल्स से भी लेते हैं, और दोनों से कह सकते हैं कि हम दोनों से क्या करते हैं? फूड लेते हैं। ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हो, हम सभी लोग खाना लेते हैं, दूसरों से हम खाना लेते हैं, तो हम इतनी बड़ी क्वांटिटी में, इतने सारे ह्यूमन बींग्स को एक बार में खाना किस तरीके से मिल जाता है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि इसकी एक फार्मिंग होती है, एक खेती होती है, तभी हमें इतना प्रोडक्शन में हमें खाना मिल जाता है। आप देखो, हर एक घर में रोटी बनाई जाती है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा व्हीट फ्लोर कहाँ से आता है? सोचा है कभी कहाँ से आता है? क्योंकि किसान पूरे टाइम मेहनत करता है, तब जाकर वो हमें व्हीट लेकर देता है, व्हीट ला कर देता है। और वो व्हीट क्या होती है? मार्केट में अवेलेबल होती है, और उसी को पीस कर हमें क्या मिलता है? व्हीट फ्लोर मिलता है। मार्केट में पैकेट्स बने बनाए आते हैं और हम उनको ख़रीदते हैं और खाते हैं। ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके पीछे अगर हमने डीपली कभी सोचा ही नहीं, अगर आप डीपली सोचो तो आपको पता चले कि फार्मर्स कितनी मेहनत करते हैं और किस तरीके से एक प्लांट की, एक क्रॉप प्रोडक्शन करने में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। आप इस चैप्टर में वही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए खाना चाहिए, तो आपको रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। रेगुलर प्रोडक्शन का मतलब है आपको खेती रेगुलर करनी पड़ेगी और बहुत लार्ज अमाउंट में खेती करनी पड़ेगी। प्रॉपर मैनेजमेंट होगा कि यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से होना होगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा फूड का वो तरीके से होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एरिया में ज़्यादा चला गया और एक एरिया में कम चला गया। ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है। हम पढ़ेंगे यहाँ से, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक ही तरीके के प्लांट्स एक एरिया में ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, और बहुत लार्ज स्केल पर ग्रो किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। जैसे कि क्रॉप ऑफ व्हीट मींस दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। मतलब कि अगर आपने एक एग्जांपल लेकर चलिए कि आपने एक व्हीट की क्रॉप को लगाया, ठीक है, तो
वो जो क्रॉप होगी वो सारी की सारी ही व्हीट की होगी। ऐसा नहीं होगा कि उस क्रॉप में, उन प्लांट्स में बीच में कोई और से प्लांट्स आ जाएं, सनफ्लावर के आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो सारी की सारी जो क्रॉप होगी वो किसकी होगी? व्हीट की होगी। ठीक है, नेक्स्ट, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्रॉप्स बहुत अलग अलग तरीके की होती है, सीरियल्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं। सीरियल्स मीन्स दालें यहाँ पर सारी आ जाती हैं, जितनी भी दालें हैं और आपकी सरसों वगैरह है सब इसी में इंक्लूड हो जाता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इन सब की क्या होती है? खेती होती है। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। तो इनको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं? ये क्लासिफाई होते हैं सीजन के बेस पर। सीजनल जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सीरियल्स होते हैं वो सीजनल ही बोए जाते हैं, और उनका टाइम पीरियड होता है कि 3 to 5 months में वो हार्वेस्ट भी कर लिए जाते हैं। बोने से लेकर हार्वेस्ट करने तक के सारा प्रोसेस उनका 3 to 5 months में हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो हर जगह के अलग हैं। टेम्परेचर भी अलग होगा, ह्यूमिडिटी भी अलग होगी, और रेनफॉल भी हर जगह का वेरी करेगा। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर इसीलिए अलग अलग वेराइटी की जो क्रॉप्स है अलग अलग पार्ट्स में होती है। ठीक है, हर एक पार्ट्स में अलग खेती होती है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई दीज आर। मतलब इस इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी दो जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं वो आइडेंटिफाई करे जाते हैं। एक तो होता है खरीफ क्रॉप्स और एक होता है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में हम बोते हैं उनको क्या कहते हैं? हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। रेनी सीजन कब से कब तक होता है? जून से सेप्टेम्बर तक। जैसे कि इसमें कौन कौन से हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं? पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा, जितनी भी हैं ये सारी कौन सी हैं? खरीफ क्रॉप्स हैं। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स आपको पता चल गया जो रेनी सीजन में होंगी, लेकिन रबी क्रॉप्स कौन सी होंगी? जो विंटर सीजन में होंगी उनको क्या कहेंगे हम? रबी क्रॉप्स। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो अक्टूबर टू मार्च होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। Besides these pulses and vegetables are grown during summer at many places. इनके साथ साथ pulses और vegetables भी हैं जो साथ साथ summers में भी grow किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं basic practices of crop production। कौन कौन सी basic practices हैं इंडिया में? Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. बहुत सारी कल्टीवेशन के टाइम जब हम करते हैं, कल्टीवेशन जब होता है क्रॉप्स का, तो उसके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो फार्मर्स को करनी पड़ती है टाइम के साथ साथ। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। वो एक्टिविटीज़ वो भी हो सकती हैं जो आपके घर में गार्डनर आकर करता हो, या फिर आप खुद अपने प्लांट्स की देखभाल करते हो तब आपको कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हूँ। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर टू एज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहेंगे। अब यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, ये 7 प्रोसेस हैं, 7 एक्टिविटीज़ हैं जो एक फार्मर को करनी पड़ती है जब कोई भी क्रॉप को वो प्रिपेयर करता है, लगाने जाता है, ग्रो करने जाता है। ठीक है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन सोइंग द सीड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बेसिकली क्या होता है, ये सबसे पहला स्टेप होता है। सबसे पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहला स्टेप होता है। इसमें क्या करते हैं? हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। अब सॉइल को प्रिपेयर किस तरीके से करा जाता है? इसमें क्या करते हैं? सॉइल को ऊपर नीचे करते हैं, या तो हम टूल्स की मदद से करते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में जब गार्डनर कोई आता है तो वो खुरपी से क्या करता है? मिट्टी जो है वो ऊपर नीचे करता है, करता है ना? वो क्यों करता है ऐसा? ताकि जो सॉइल है वो लूज़ हो जाए और उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं वो प्रॉपर वे में प्लांट्स के रूट्स तक जा सकें और प्लांट्स के रूट्स से वो सारे बॉडी प्लांट में जा सकें। ठीक है, ये इसका मेन पर्पज़ होता है।
ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं वो प्रॉपर्ली सारे प्लांट को मिल जाएं, ये प्रोसेस हम इसलिए करते हैं, और जो हमारी सॉइल है वो ब्रीथेबल हो जाए, ठीक है, उसके रूट्स को ब्रीथ आने लग जाए, वो सांस लेने लगे, इसलिए हम करते हैं। क्योंकि जब कोई भी आप प्रिपेयर करते हैं सॉइल और फिर उसके बाद सोइंग मीन्स आप सीड डाल रहे हो, उसके बाद जब आप सीड डालोगे तो फिर हम उस प्लांट में खाद भी डालते हैं, आपका गार्डनर आके आपको उसमें खाद ज़रूर डालता होगा। खाद जब डालते हैं तो वो क्या होता है, अलग से हम एडिशनल उसको फूड दे रहे हैं, एडिशनल हम उसको मैन्योर दे रहे हैं ताकि वो बहुत अच्छे से अच्छे प्लांट उग कर आए और हमें अच्छी जो क्रॉप है वो मिले, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं खाद देते हैं, ठीक है, मैन्योर्स इसलिए हम डालते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये मैंने जैसे आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में कि सॉइल को टर्न करो और लूज करो। टर्न करने का मतलब मैंने जैसे खुरपी वाला एग्जाम्पल दिया था कि खुरपी से आपने देखा होगा गार्डनर को सॉइल को ऊपर नीचे करते हुए, ठीक है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इन टू द सॉइल। इससे क्या होता है, रूट्स नीचे तक जाने के लिए सक्षम हो जाती हैं, उनको एक मिल जाता है कि हाँ भाई लूज़ हो गई है सॉइल, आप नीचे और नीचे तक जा सकते हैं, ठीक है। द सोल लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली इवन वैन दे गो डीप इन टू द सॉइल। अब अगर आपकी जो रूट्स हैं, आपके प्लांट की जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली चली गई हैं, तो भी वो क्या करेंगी, बहुत आसानी से सांस ले सकती हैं जब हम टर्निंग करते हैं, किसका सॉइल को टर्न करते हैं। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? Loosening of soil से क्यों होता है कि soil जो roots हैं वो easily breathe करती हैं। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. ये आप सभी जानते हैं कि earthworms और जो microbes होते हैं वो soil में present होते हैं, और ये farmer's friend भी कहा जाता है। Earthworm को हम farmer's friend भी कहते हैं, क्योंकि जब हम टर्न करते हैं और लूज़ करते हैं सॉइल को, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हम ह्यूमस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। व्हाई डज़ द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूज़न। अब हमें क्यों ज़रूरत है कि हम सॉइल को बार बार इसको टर्न करें और लूज़ करें। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेज दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स वाटर एंड एयर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाई सॉइल ऑर्गेनिजम्स इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इन टू द सॉइल दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स। अब जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि सॉइल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर है, एयर है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, जैसे कि हमने फार्मर्स फ्रेंड किसको कहा है, अर्थवॉर्म को कहा है, माइक्रोब्स को कहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं के साथ साथ जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं, किसमें, सॉइल में। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स के साथ, प्लांट्स के साथ, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के साथ जो उनको मिल रहा है, तो वो वापस में कहाँ पर मिल जाता है आकर, सब कुछ सॉइल में मिल जाता है। तो इसी तरीके से ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये फिर से प्लांट्स क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ जो टॉप लेयर है वही हेल्प करती है। टॉप लेयर में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, इसलिए होते हैं क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो डिकम्पोज हो रहे हैं, जिनको मैन्योर बन रहा है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं वो सारे किस, वो कौन कर रहा है, वो सॉइल क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो जो अपर लेयर होती है वही तो सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगी और वही तो क्या करेगी, प्लांट्स को प्रोवाइड करेगी। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ में हेल्प करती है वो होती है टॉप लेयर, ठीक है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दिस न्यूट्रिएंट। जब टर्निंग होती है सॉइल की और लूजनिंग होती है सॉइल की, तो इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है, जो नीचे न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है ताकि वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर सके और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्लांट को मिल सके, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ यही होता है।
Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. तो इसका मतलब क्या हुआ कि turning और loosening जो है वो बहुत ज़्यादा important है. किस चीज़ के लिए? Crops को लगाने के लिए, cultivation के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा important है. The process of loosening and turning of the soil is called tilling और ploughing. जो process होता है loose और turn करने का, इस process को हम क्या कहते हैं, टिलिंग कहते हैं या फिर प्लफिंग कहते हैं. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो. इसको हम प्लफ के साथ क्या करते हैं, प्लफ के थ्रू ये किया जाता है. प्लव्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन. इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग. प्लफिंग में क्या होता है कि अगर आपका जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो कई बार क्या कहते हैं उसको, वाटरिंग भी करते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि आपका जो प्लफ होता है वुड और आयरन से बना होता है. पहले हाथों से क्या करते थे, फिर उसके बाद बैल से करने लगे, बैल के थ्रू, और अब मशीन्स आ गई हैं, ट्रैक्टर वगैरह हो गए हैं तो उससे करते हैं. ठीक है. द प्लव्ड फील्ड्स में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. कुछ प्लव फील्ड्स में क्या होते हैं, बिग सॉइल के पीसेज होते हैं जिनको हम क्रम्स कहते हैं. इन क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है और एक लेवल में फील्ड को करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इरिगेशन आप तरीके से कर सकें, जो सोइंग ऑफ सीड है वो प्रॉपर वे में हो सके. जो आप लेवलिंग करते हो सॉइल की कि वो लेवल में आ जाए, वो हम लेवलर से करते हैं. कई बार क्या करते हैं, जब टिलिंग कर रहे हैं तो टिलिंग के दौरान, टिलिंग क्या है, लूजनिंग और टर्निंग सॉइल की, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, उसको, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम टिलिंग कहते हैं. तो कई बार क्या होता है, जब हम टिलिंग कर रहे होते हैं तो हम मैन्योर तभी के तभी ऐड कर देते हैं ताकि वो प्रॉपर वे में मिक्स हो जाए सॉइल में. ठीक है. और जब हम बीज बोएंगे उससे पहले हम क्या करते हैं, वाटरिंग करते हैं अपने प्लांट्स की. अब हम करते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. जब हम सोइंग करते हैं सीड की, सोइंग मीन्स बोना, हम सीड्स को बोने से पहले क्या करते हैं कि हम सॉइल को छोटे छोटे जो ग्रेन्स के दाने होते हैं ना, ग्रेन्स मतलब क्या होते हैं, जितने भी आपके जैसे गेहूं है इनके दाने की बराबर क्या करते हैं, सॉइल को बिल्कुल तोड़ लेते हैं ताकि आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी हो सके. और ये हम किस तरीके से करते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम इस प्रोसेस को कर सकें. ठीक है. प्लफिंग इसमें एक बहुत मेन टूल है. ठीक है. प्लफिंग आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दो बैलों के थ्रू ये चल रहा है और यहाँ पर ये पीछे से मिट्टी को क्या कर रहा है, टिलिंग कर रहा है. टिलिंग मीन्स क्या होता है, मिट्टी को लूज करना और टर्न करना. ठीक है. ये प्रोसेस क्या होता है, टिलिंग होता है. तो ये जो है ये क्या कर रहा है, टिलिंग कर रहा है. अब ये किस तरीके का है, इस तरीके का है. आप देख सकते हैं नीचे से ये नुकीला है, तो ये जब मिट्टी में जाता है तो मिट्टी जो है वो उखड़ जाती है ऊपर से और फिर इधर उधर हो जाती है. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस है ये किससे कर रहे हैं, ये बैल के थ्रू कर रहे हैं और बीच में ये क्या लगा रखा है, इन्होंने प्लफ लगा रखा है ताकि जो उनकी टिलिंग का प्रोसेस है वो प्रॉपर वे में हो सके. अब जब हम टिलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं तो इसको हम क्या कह रहे हैं, प्लफ कह रहे हैं. ठीक है. इसको हम कहते हैं प्लफ शेयर. ये होता है प्लफ शाफ्ट. ठीक है. और ये होती है बीम जिसके साथ ये अटैच किया जाता है ताकि प्लफिंग बहुत अच्छे से हो सके. ठीक है. इस प्रोसेस में हम तीन मेन टूल्स यूज़ करेंगे. प्लफ हो गया जो आपने यहाँ पर देखा, इसको हम प्लफ कहते हैं. एक होता है हो और एक होता है कल्टीवेटर. प्लफ दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एक्सेट्रा. दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाई अ पेयर ऑफ बोल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेज, कैमल्स एक्सेट्रा. ये हमने अभी देखा नीचे कि ये जो प्लफिंग होती है ये किससे होती है, बुल्स के थ्रू कराई जाती है या फिर हॉर्सेस और कैमल्स के थ्रू भी आप करा सकते हैं. और ये हमारे एंशियंट टाइम से चली भी आ रही है. इसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स हम ऐड करते हैं क्रॉप में, रिमूव करते हैं वीड्स को और स्क्रैप करते हैं सॉइल को. स्क्रैपिंग मीन्स हो जाता है आप उसको तोड़ रहे हो, सॉइल्स को इधर उधर कर रहे हो, जिसका मतलब कि हम उसको लूज़ कर रहे हैं, सॉइल को लूज़ कर रहे हैं. ठीक है. दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड और ये वुड का बना होता है और पेयर ऑफ बुल्स के थ्रू आप इसको कर सकते हो. स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ शेयर इसमें अटैच होती है.
ठीक है. द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लफ शाफ्ट. ये जो प्लफ शाफ्ट है ये इसका मेन पार्ट है, ठीक है. इसको याद रखिए कि इसको प्लफ शाफ्ट कहते हैं और ये इसका मेन पार्ट होता है. देर इज़ अ हैंडल एट वन एट एट द शाफ्ट, द अदर हैंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक. अब बुल्स नेक पर आप ये देख सकते हैं एक बीम रखी गई है, ठीक है, जिसको ये अटैच किया गया है. किसको अटैच किया गया है? बीम से प्लफ शाफ्ट को अटैच किया गया है. देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स. वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लफ. इससे क्या होता है, आप इजिली ऑपरेट कर सकते हो, एक पर्सन भी इसको ऑपरेट कर सकता है पीछे से. द इंडिजीनियस वुडन प्लफ इज इंक्रीजिंगली बींग रिप्लेस्ड बाई आयरन प्लफ्स नाउ अ डेज. पहले वुडन प्लव्स होते थे, अब क्या है यहाँ पर आयरन प्लव्स आने लगे हैं. तो अब आयरन प्लव्स से हम क्या करते हैं, प्लफिंग होती है. हो क्या होता है, इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. एक बहुत सिंपल टूल है जिसको आप रिमूव करते हो वीड्स को और प्लफिंग में यूज़ करते हो. इसमें लॉन्ग रॉड होती है वुड की या फिर आयरन की. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड. इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल्स. जैसे कि आप ये देख सकते हो इसमें एक ये रॉड हो गई, ये बीम हो गई और ये एनिमल्स के थ्रू क्या होगा, पुल किया जाएगा. ये बेंट प्लेट होती है, ये ग्रिप होती है और ये हैंडल होती है. आपको अच्छे से पता होना चाहिए हो में, प्लफ में, कल्टिवेटर में, सब में डिफरेंस पता होना चाहिए. कल्टिवेटर क्या होता है, ये देखिए आप, ये होता है कल्टिवेटर. ये पीछे जो देख रहे हैं इसको हम कल्टीवेटर कहते हैं और ये ट्रैक्टर से लगा दिया जाता है. आजकल जो खेती की जा रही है वो इसी से की जा रही है क्योंकि ये बहुत इजी प्रोसेस है. आप एक बंदा ट्रैक्टर चलाता है और पीछे से जो प्लफिंग हो जाती है सीड्स की, सॉरी सीड्स कह रही हूँ मैं, यहाँ पर जो सॉइल की प्लफिंग है वो बहुत ईजी हो जाती है और ये बहुत कम टाइम लेता है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें बहुत कम मेहनत लगती है बनिस्बत प्लफिंग के. जो हम प्लफ से करते थे उसमें बहुत मेहनत लगती थी, इसमें कम मेहनत लगती है. तो नाउअडेज प्लफिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर. द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. जैसे कि मैंने आपको बताया ये टाइम भी को भी सेव करता है और मेहनत भी कम लगती है इसमें. तो आजकल हम इसी तरीके से क्या करते हैं, प्लफिंग करते हैं. तो हमने सबसे पहले पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने तीन तरह के टूल्स पढ़े. कौन कौन से टूल्स पढ़े, प्लफ पढ़ा, हो पढ़ा और कल्टीवेटर. ठीक है, अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.